बीकानेर कलियोगी बेटे ने एक छोटी सी बात पर मां पर हथियार से हमला कर दिया। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र से एक भयानक घटना सामने आई है। कलियोगी बेटे से एक छोटी सी बात पर मां पर हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में मां के दोनों पंजे कट गए। हमले के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया है। घायल महिला को नोखा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार नोखा के वार्ड नंबर 11 के रहने वाली मगी देवी और उसके पुत्र संजय के बीच कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। रविवार को मगी देवी अपने ही घर में थी, तभी उसका पुत्र संजय हथियार लेकर आया और धारदार हमला करने लगा। उसने दोनों पैरों के पंजे काट दिए गए। घायल मगी देवी को नोखा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मगी देवी की रिपोर्ट और आरोपी संजय के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है।